हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल PVG ट्रिक की क्लासेज में आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा पार्ट 4। ठीक है, इससे पिछले तीन वीडियो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 2, 3 देखे थे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, आज हम लोग उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो x प्लस 1/x बराबर व्हाट। ठीक है, x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो x प्लस 1/x बराबर व्हाट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि यहाँ के डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर माइनस से प्लस निकालना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 4। यदि माइनस से प्लस से माइनस निकालना, अगर प्लस से माइनस निकालना होता तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4। लेकिन हमको क्या निकालना है, माइनस से प्लस निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस 4। और ए क्या होता है, ये तो चार का स्क्वायर प्लस 4, अर्थात 4 × 16, 4 कितना हो जाएगा, 20, अंडर रूट 20, अर्थात 2√5। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग इसको बेसिक से देखें तो हमको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2x × 1/x बराबर 16। ठीक है, ये पूरी तरह से कट जाएगा, ये उधर जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 18। अब हम लोग पिछले बताए थे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² से अगर नीचे जाना है, x प्लस 1/x में जाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 20, अर्थात एक्स प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 20, अर्थात 2√5। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x बराबर 20, अर्थात 2√5। या हम पहले इसके पिछले वीडियो में ये भी बताए थे कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर दिया हो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 18 दिया हुआ, तो ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, अगर एक्स प्लस 1/x फाइंड करना है, यदि हमको एक्स प्लस 1/x फाइंड करना है तो इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस 1/x फाइंड करना है तो 18+2 कर देंगे। यदि एक्स माइनस 1/x फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 18-2 कर देंगे। ठीक है, यदि इससे, यदि ये दिया हो और इससे हमको क्या करना है, x प्लस 1/x फाइंड करना है तो 18+2 करेंगे अंडर रूट में, अगर इससे ये फाइंड करना है तो x माइनस 1/x तो क्या करेंगे, 18-2 करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, यदि हमको यहाँ से इस पे जाना है, यदि x माइनस 1/x से x प्लस 1/x पे जाना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 4, यदि प्लस की तरफ जाना है तो ए स्क्वायर प्लस 4, और यदि माइनस की तरफ जाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4। अगर इधर से इधर की तरफ जाना है तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर व्हाट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला किस पे हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला हम अगले वीडियोज में बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x के रूप में टूटेगा। अब हमको मालूम है x प्लस 1/x का मान मालूम है कितना होगा, 3 होगा। x प्लस 1/x का मान 3 है, हमको मालूम करना है x माइनस 1/x। तो बताए थे अभी पिछले तुरंत, x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है तो x माइनस 1/x याद करने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4।
अर्थात तीन तिली के 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 5। तीन तिली के 9 माइनस 4 कितना होगा अंडर रूट 5, अर्थात x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना है 3 और x माइनस 1 बाई एक्स का मान कितना है अंडर रूट 5। x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना है 3 और x माइनस 1 बाई एक्स का मान अंडर रूट 5। इस तरह से 3 अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 हो तो x का पावर 4 प्लस x का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4, x का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4। अब हम लोग x का पावर 4 अगर करें तो ये भी क्या हो जाएगा, पिछले वाले फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग देखें तो इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 और इसको क्या लिखेंगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स और एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 और एक्स माइनस 1 बाई एक्स चाहिए तो हम लोग यहां से निकालेंगे एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है ए स्क्वायर माइनस निकालना है तो माइनस 4, तो तीन तिली का 9 और 9 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो ये मिल जाएगा अंडर रूट 5। तो ए स्क्वायर माइनस 2 अर्थात तीन तिली का 9 माइनस 2 और ये क्या होगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना है 3 और एक्स माइनस 1 बाई एक्स का मान कितना है अंडर रूट 5, तो ये 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5 अर्थात 21 अंडर रूट 5 अर्थात 21 अंडर रूट 5, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका हम लोग जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है ए स्क्वायर माइनस 2 का, इसको हमको क्या करना पड़ेगा इस तरह से तोड़ना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसके लिए तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2, यदि प्लस है तो ए स्क्वायर माइनस 2, यदि माइनस रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस 2। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है ए का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 चौक 16 और 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 माइनस 2 14 आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 83 हो तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू क्या होगा। अब हमको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यदि यहाँ पे माइनस दिया है तो हमको क्या चाहिए x माइनस 1 बाई एक्स चाहिए, यदि यहाँ पे प्लस दिया हो तो x प्लस 1 बाई एक्स चाहिए, यदि यहाँ पे माइनस दिया हो तो x माइनस 1 बाई एक्स चाहिए। अब हम लोग इससे x माइनस 1 बाई एक्स निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से अगर x माइनस 1 बाई एक्स निकालते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है a माइनस 2, यदि माइनस निकालना है तो a माइनस 2, यदि प्लस निकालना है तो क्या करेंगे a प्लस 2, यदि x प्लस 1 बाई एक्स निकालना है तो a प्लस 2 और माइनस निकालना है तो a माइनस 2, अर्थात हो जाएगा मेरा 83 माइनस 2, अर्थात 83 माइनस 2 कितना हो जाएगा 81, 81 और 81 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9, अर्थात x माइनस 1 बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, यदि माइनस हो तो क्या होता है a क्यूब, अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 है, तो 9 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे प्लस 3 गुणे क्या करेंगे 9, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 और प्लस कितना हो जाएगा 327 और 9 7 16 और 2 2 4 5 और ये कितना हो जाएगा 756, 756 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा ध्यान देंगे कि यहाँ पे यदि माइनस हो तो माइनस लाना यहाँ जरूरी है, यदि प्लस हो तो यहाँ पे
प्लस के रूप में दिया होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अब एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान चाहिए तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे, टोटली में एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा एक्स, माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा थ्री, और एक में करेंगे तो क्या मिलेगा वन बाई एक्स बराबर जीरो। अर्थात एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग अगर कोई कभी भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन बराबर जीरो के रूप में दिया हो तो एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या होता है, माइनस ए होता है। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यदि माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यदि इक्वेशन इस तरह से, और अधिकतर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के अधिकतर क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्म दिया गया रहेगा, ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे, यदि यहाँ पे प्लस दिया हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यदि माइनस दिया हो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और डायरेक्टली हम लोग एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू। ठीक है, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू। अब हमको एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू चाहिए तो हमको पहले, सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स चाहिए। क्या चाहिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स। और एक्स प्लस वन बाई एक्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस हो तो यहाँ पे प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना हो जाएगा, माइनस थ्री होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस थ्री, ए क्यू माइनस थ्री है, तो ए क्यू का मान कितना है, माइनस थ्री का क्यू माइनस थ्री इंटू ए का मान कितना है, माइनस थ्री। तो तीन तिली के नौ, नौ तिली कितना हो जाएगा, माइनस सत्ताईस, और माइनस तीन तिली के माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, तीन तिली के नौ, ये टोटली हो जाएगा माइनस अट्ठारह, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हमको अगर याद है, यदि हमको प्रॉपर्टीज याद है तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टली कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन बाई टू एक्स बराबर टू हो तो आठ एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, आठ एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू। अब हम देखेंगे यदि आठ एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू चाहिए तो हमको सबसे पहले चाहिए टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान। क्या चाहिए, टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान। जब भी एक क्यूब के रूप में चाहिए तो हमको दो चीज़ चाहिए, एक अगर यदि हमको ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना हो, यदि हमको ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना हो तो हमको सबसे पहले दो चीज़ चाहिए, पहला ए प्लस बी और दूसरा ए इंटू बी। पहला चाहिए ए प्लस बी और दूसरा चाहिए हमको ए इंटू बी। तो अब ए प्लस बी के रूप में अगर इसको तोड़े तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस वन बाई टू, और एक चाहिए हमको टू एक्स इंटू वन बाई एक्स, तो इसका एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, मान दो आ जाएगा। अब इस तरह से इस इक्वेशन से हमको फाइंड करने के लिए क्या करें कि एक्स नीचे चाहिए और टू यहाँ पे चाहिए, तो टू से इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब टू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा ये टू से टू कट जाएगा, तो ये टू एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या मिलेगा, फोर। तो टू एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या मिलेगा, फोर। ठीक है, टू एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर मिलेगा फोर। अब ए क्यू माइनस थ्री ए नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ए क्यू माइनस थ्री ए तभी होता था जब एक्स इंटू वन बाई एक्स का मान क्या होता था, एक, जो यहाँ पे छुपा होता था। लेकिन यदि दोनों का इंटू का मान यदि कुछ हो तो जस्ट इसके बीच में क्या करेंगे, उसको रख देंगे। यदि दोनों के इंटू का मान एक न हो, एक के अलावा कोई और हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में रख देंगे, अर्थात चार का क्यूब करेंगे माइनस
थ्री इंटू, देखिए यहाँ पे इंटू का मान दो है तो दो को रखेंगे और फिर क्या करेंगे इसको ए के मान को रखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, चार चौके सोलह, चौके चौंसठ, माइनस तीन दूना छः चौके चौबीस, चालीस, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं तो क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और इसी को तोड़ेंगे तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर मिलेगा ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। और यही ए प्लस बी का, ए इंटू बी का मान ये एक हो जाता था इसलिए इसको डायरेक्ट थ्री और इसको ए मानकर थ्री ए लिख देते थे और इसको ए मानकर ए क्यू लिख देते थे, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखें, हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि x प्लस वन बाई एक्स के रूप में ही दे, ठीक है। यहाँ इस तरह से भी दे सकता है कि दोनों की इंटू का मान दो तीन चार पाँच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसका भी दोनों का इंटू का मान यदि कुछ हो तो जस्ट इसके बीच में क्या करेंगे उसको रख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 2 बाई एक्स बराबर वन, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, x प्लस वन बाई एक्स चाहिए, x प्लस वन बाई एक्स चाहिए। तो x प्लस वन बाई एक्स ज्ञात करने के लिए 2 को हटाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये भी 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई 2, अर्थात x प्लस वन बाई एक्स का मान कितना हो जाएगा 1 बाई 2। अब इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए क्यू माइनस 3a, तो ए क्यू का मान कितना होगा 1 बाई 2 का क्यू माइनस 3 इंटू 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 8 माइनस 3 बाई 2, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8 एकम 8 एक, और 2 चौके 8 चार थे 12, टोटली हो जाएगा माइनस 11 बटा 8, ठीक है। टोटली मेरा आंसर क्या हो जाएगा माइनस 11 बटा 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोग आज बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखें, ठीक है, पिछले फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग बेसिक लेवल क्वेश्चन देखें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी थ्योरी पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।